हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद चौधरी आपका धारिका क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जबरदस्त होगे, जिंदाबाद होगे और एकदम मस्त होगे। मैं आपके लिए वंदे भारत बैच में आपके साइंस के टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आपके रेलवे में सबसे बेहतरीन टॉपिक होता है। इसका बार बार न्यूमेरिकल आते हैं, इसके बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए साइंस की थ्योरी क्लास आ रही है। सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। ये आपकी क्लास शाम 7 बजे मिलती है और एक क्लास आपको 3 से 4 PM पर लाइव क्लासेज मिलती है, जो आपके रेलवे में आए हुए पहले के क्वेश्चन थे दोस्तों। तो एक बार सभी के सभी सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी लाइव क्लासेज ली जाए या अपलोड की जाए उसकी आपको तुरंत ही अपडेट मिल सके दोस्तों। तो साथ में आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना दोस्तों। एक बार सभी के सभी सेशंस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आपका टाइम ज़्यादा खराब न करते हुए हम अपने थ्योरी के तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है और यहाँ पर आप देख सकते हो आपके दूरी, विस्थापन और चाल फड़ने वाले। आज हम गति में आपके दूरी, विस्थापन और आपके चाल फड़ने वाले, तो सभी के सभी आप सेशन के एंड तक बने रहना और साथ में आप सेशंस को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना दोस्तों। आपकी जो रेलवे PYQs है, ये आपके 3 से 4 PM चलते हैं। आपका जो रेलवे के जो पहले के आए हुए क्वेश्चन थे, वो आपके 3 से 4 PM तक चलता है और साथ में आपको जो थ्योरी की क्लासेज है साइंस की, वो शाम को आपको देख सकते हो 7 PM से 8 PM पर मिलती है। ये रोज आपकी क्लासेज मंडे टू सैटरडे होती है दोस्तों। तो सभी के सभी आप रोज आपकी साइंस की दो क्लासेज है, दोनों की दोनों क्लासेज को लीजिए। एक भी दिन बिना मिस किए आप दोनों की दोनों क्लासेज को लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हमका हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार है। आपके मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन की आज क्लास 3 होने वाली है आपकी, और इसमें आज हम पढ़ने वाले दूरी, विस्थापन और चाल पढ़ने वाले। इसके साथ कैसे कैसे इसके न्यूमेरिकल आते हैं, क्या क्या इसमें क्वेश्चंस आपके पूछने वाले होती, संभावना होती है, और जो पहले के आए हुए क्वेश्चन थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, ये बिल्कुल आपकी जो क्लास है ये NCERT पर आधारित है दोस्तों। तो आप एंड तक बने रहना। आपके जो रेलवे के अंदर देख सकते हो आप LP टेक्नीशियन, NTPC और ग्रुप D है, इसका कैलेंडर भी जारी हो चुका है। और साथ में यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस क्लास से, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपके दोनों क्लासेज देखिए, आप 3 से 4 देखिए और 1 7 से 8 जो क्लास होती है शाम को, इन दोनों के दोनों क्लासेज को लीजिए। यहाँ पर आपका सभी के सभी क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको एग्जाम में दोस्तों। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आप आज का आपका टॉपिक का दूरी होती है, क्या होती है आपके दूरी। अब देखो दूरी, दूरी क्या होती है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय की गई पथ की लंबाई क्या कहलाती है, आपकी दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, जैसे आपने देखे दो पॉइंट आपके, क्या जैसे आपने यहां पर देख लिया एक पॉइंट है यहां पर आपका ए और दूसरा पॉइंट आपका बी है, क्या एक पॉइंट ए आपका और दूसरा पॉइंट आपका बी है। तो जैसे आपने यहां से ए से चलना शुरू किया और कहां तक गए आपने, बी तक चले, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ए से चलकर आप कहां पर गए, बी तक। और यहां पर जो तय की गई आपकी दूरी, क्या तय की गई लंबाई, और लंबाई देख सकते हो इसकी, आप मान सकते हो आपकी लंबाई कितनी, यहां पर आपके 5 मीटर है दोस्तों। कितने आपके लंबाई कितनी है, यहां पर आपके 5 मीटर है। तो आपकी जो पथ की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है, आपकी दूरी कहलाती है। तो यहां पर देख सकते हो आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय की गई पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है, या कुल लंबाई बोल दो, या आप इसे बोल सकते हो वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है, आपके दूरी कहलाती है। अब देखो आपकी दूरी, दूरी कैसी राशि है, एक आपकी अदिश राशि होती है। दूरी कैसी राशि होती है, एक आपकी अदिश राशि होती है। अदिश राशि किसे कहते हो, वह राशि जिसका परिमाण तो हमें पता होता है लेकिन दिशा का हमें पता नहीं होता है। लेकिन आपने देखा भौतिक राशि आपके दो प्रकार की होती है, एक तो अदिश होती है और एक सदिश होती है। सदिश में क्या होता है, आपका परिमाण और दिशा दोनों होता है, और आपके अदिश में क्या होता है, केवल और केवल क्या होता है, आपका परिमाण होता है। क्या होता है इसमें, केवल और केवल क्या होता है, आपका परिमाण होता है दोस्तों। क्या होता है आपका परिमाण होता है, क्या होता है आपका परिमाण होता है, किसमें होता है आपका, अदिश में। अदिश में क्या होता है आपका परिमाण होता है, और क्या नहीं होता इसमें, परिमाण तो होता है आपका लेकिन आपके जो दिशा होती है वो नहीं होती, किसमें होती, नहीं होती आपके अदिश में। अब देखो आप दूरी, दूरी का आपका SI मात्र क्या होता है, आपका मीटर होता है। क्या होता है, दूरी का SI मात्र क्या होता है, आपका मीटर होता है। और आपका जो दूरी होती है, दूरी का CGS मात्र क्या होता है, आपका CGS मात्र होता है, आपका सेंटीमीटर होता है। अब SI मात्र भी मीटर होता है, और साथ में इसका MKS मात्र भी क्या होता है, आपका MKS पत्ति में मात्र भी क्या होता है, आपका मीटर ही होगा। क्या होगा आपका, MKS पत्ति में इसका मात्र क्या होता है, आपका मीटर ही होता है। आपने देखा मात्र की पत्ति आपके 3 प्रकार की थी, कौन सी थी, CGS पत्ति थी, MKS पत्ति थी और FPS पत्ति थी। अब यहाँ पर देखो CGS में तो क्या होता है आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, MKS पत्ति का क्या होता है आपका मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, और FPS पत्ति का क्या होता है आपका फुट पाउंड सेकंड होता है। क्या होता है आपके मात्रा की 3 पत्तियाँ थी, एक और तो कौन सी थी आपके CGS थी, एक नंबर पे ये थी, दो नंबर पे ये थी, और 3 नंबर पे आपकी ये थी। आपको पहले मैंने ये मात्रक के बारे में बताया था, मात्रक की पद्धतियां। अब यहाँ पर देख सकते हो जो MKS पद्धति होती है वो SI मात्रक का, SI मात्रक क्या होता है आपका MKS पद्धति का क्या होता है आपका विस्तृत
रूप होता है, क्या होता है आपका विस्तृत रूप होता है। इसलिए एसआई मात्र क्या आपका मीटर, तो एम के एस पत्ते भी क्या आपके मीटर है। और इससे ही आप एम के एस पत्ते ही आप हर भौतिक राशि क्या लिख सकते हो, आप विमा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? विमा लिख सकते हो। और विमा को आप किस रूप में लिखते हो? आप एम एल टी के रूप में लिखते हो। आप किस में लिखते हो? आप एम एल टी के रूप में लिखते हो। जैसे आगे देखते हैं हम दूरी में, जैसे आपको दिया गया है विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र में आप देख सकते हो आप एम की पावर, एल की पावर और टी की पावर। एम तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एम यहाँ पर क्या होता है आपका मास होता है। क्या होता है आपका मास होता है। मास का मतलब क्या हो गया आपका? द्रव्यमान हो गया। क्या हो चुका आपका? द्रव्यमान हो चुका। अब देखो एल, एल क्या होती है आपकी? लेंथ होती है। क्या होती है आपके? लेंथ होती है। और लेंथ क्या होती है यहाँ पर? आपके लंबाई होती है। क्या होती है आपकी? लंबाई। और टी क्या यहाँ पर आपका? टाइम है दोस्तों। क्या है? टाइम है। और टाइम क्या होता है आपका? समय होता है। ठीक है, अब देख सकते हो आपने देखा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्र क्या होता है आपका? किलोग्राम में होता है। किसमें होता है आपका? किलोग्राम में। लंबाई का किसमें होता है आपका? मीटर में। और समय का किसमें होता है आपका? सेकंड में होता है। किसमें होता है आपका? सेकंड में होता है। तो यहाँ पर इसके वी में सूत्र लिखते हो, जितने आपकी जो घात इस पर लगी होती है, माइनस की हो या प्लस की हो, तो वो यहाँ पर आप किस पर चिपका सकते हो? एम एल टी पर। अब देखो आप दूरी, दूरी का मात्र क्या होता है आपका? मीटर होता है। क्या होता है आपका? दूरी का मात्र क्या होता है आपका? मीटर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो एम की पावर नहीं लगा सकते आप, टी की पावर भी नहीं, आपको केवल मीटर है। और मीटर किस पर लगता है आपकी पावर? एल पर लगती है। तो एल की पावर क्या होगी आपकी? एन एल वन होगी। इसको आप जब अन्य रूप में भी लिख सकते हो, वो कैसे लिख सकते हो आप साथ में? जैसे एल की पावर वन ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो आप इसके दोनों तरह से लिख सकते हो। अभी आप ये देख सकते हो दूरी हमेशा आपकी क्या होती है? आपकी धनात्मक होती है दूरी। कैसे? आप जैसे आपने वास्तविक पथ की लंबाई हुई, जैसे आपका पॉइंट ए था, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉइंट आपका ए था और यहाँ तक आप चलकर बी तक चले, तो यहाँ पर आप देखो इधर चल रहे हो आप, तो ये कैसी होती है? आप हमेशा आपकी धनात्मक होती है। लेकिन आप ये दूरी कभी आपकी नेगेटिव होती है या नहीं होती? दूरी आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दूरी हमेशा कैसी होती है आपकी? पॉजिटिव होती है। कैसी होती है आपकी? पॉजिटिव होती है, यानी कि धनात्मक होती है। समय के साथ दूरी कभी कम नहीं होगी। जैसे आपने जितने समय में आपने दूरी तय की गई, वो हमेशा दूरी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर आपकी दूरी समय के साथ क्या नहीं होगी? कभी भी कम नहीं होगी। दूरी हमेशा क्या होती है आपकी? धनात्मक होती है। और दूरी कभी आपकी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। दूरी क्या नहीं होगी आपकी? कभी भी आपकी ऋणात्मक दूरी नहीं होती दोस्तों। तो आपने देखा दूरी कैसी राशि होती है आपकी? एक अधिश राशि होती है। दूरी कैसी राशि होती है? एक अधिश राशि होती है। दूरी के आप सीजीएस मात्रक ध्यान रख लेना, आप एमकेएस मात्रक ध्यान में रखना ना, आप वीमीय सूत्र ध्यान में रखना। दूरी से आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसे जैसे जैसे आपने आगे इसके और भौतिक राशियां पढ़ते जाएंगे, तो वहां पर और इसके बारे में और हमें जानकारी मिलती रहेगी। जैसे दूरी से आप और चीजें भी ध्यान में रखना। दूरी हमेशा आपकी कैसी होती है? आपकी पॉजिटिव होती है। कैसी होती है आपकी दूरी हमेशा? कैसी होती है आपके? पॉजिटिव होती है। कैसी होती है आपके? पॉजिटिव होती है दोस्तों। कैसी होती है आपके दूरी हमेशा? कैसी होती है आपके? पॉजिटिव होती है। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हो विस्थापन। विस्थापन को आप इसे एस से प्रदर्शित करते हो, दूरी को किससे करते हो आप? डी से प्रदर्शित करते थे। किससे करते थे आप? दूरी को हमेशा डी से लिख सकते हो और विस्थापन को आप एस से लिख सकते हो आप। अब दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होगा ये ध्यान से देखना आप। दूरी और विस्थापन, जैसे आपने देखा दूरी, दूरी में तो क्या होता है दो बिंदु के बीच के अंदर वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है आपके? दूरी कहलाती है। जैसे आपके दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, और इसके बीच में जितने आपने दूरी तय की तो वो क्या कहलाती है आपके? वास्तविक लंबाई, आप बोल सकते हो कुल लंबाई क्या कहलाती है आपकी? दूरी। लेकिन आप विस्थापन में क्या कहते हो? दो बिंदु के बीच में आपकी न्यूनतम लंबाई हो। क्या हो? दो बिंदु के बीच में आप न्यूनतम लंबाई क्या कहलाते हैं आपकी? विस्थापन कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हो दो बिंदु के बीच पथ की न्यूनतम लंबाई को आप विस्थापन कहते हो। आप क्या कहते हो? आप विस्थापन कहते हो। क्या कहते हो? आप विस्थापन कहते हो। दो बिंदु के बीच में पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है आपके? विस्थापन कहलाती है। अब विस्थापन कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। तो क्यों? क्योंकि आप विस्थापन आप देखते हो तो इसमें आपको दिशा का और ज्ञान होता है। दूरी में आप दिशा का पता नहीं चल पाता, केवल हमें परिमाण का या संख्यात्मक मान का ही पता चलता है। लेकिन आपने देखा विस्थापन, विस्थापन में साथ में आपको यह और पता चला आप किस दिशा में जा रहे हो, आप जाकर वापस आ रहे हो। जैसे आपने यहां से इधर गया, आपने कैसे? जैसे आपने ए से चलना शुरू किया आपका, और कहां तक गया आपने? बी तक चलना शुरू किया, और वापस आप कहां पर आ गए? सी पर आ गए। एक पॉइंट था आपका सी पर। अब इन दोनों के बीच में देख सकते हो आपकी पहले कितना था आपका? पांच था, 5 मीटर था ए और बीच के बीच में, और वापस ये 3 मीटर वापस आ गया, सी बिंदु पर आकर रुक गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी दूरी तो कितनी हो जाएगी आपकी? 8 मीटर हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों आपकी? 8 मीटर हो जाएगी। और विस्थापन कितना बचा आपका? अब देखो दो बिंदु के बीच में न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है आपकी? विस्थापन कहलाती है। तो ये यहाँ पर आपका रुका, तो यहाँ पर 5 में से जब आप 3 घटा देते हो, कितना घटा देते हो आप? 5 में से जब आप 3 घटा देते हो तब कितना बचता आपका? 2 बचता आपका। कितना बचता है? 2। तो विस्थापन कितना हुआ आपका? विस्थापन आप देख सकते हो आपका 2 मीटर हुआ। कितना
कितना हुआ आपका, विस्थापन कितना हुआ आपका दोस्तों, 2 मीटर हुआ, और दूरी कितनी हुई आपकी, 8 मीटर हुई, कितनी हुई आपके 8 मीटर हुई। तो आप इसमें देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर आप ए से बी की तरफ गए, किधर गए पहले, ए से बी की तरफ गए, तो यहाँ पर आपको दिशा का पता चला कि नहीं चला कि आप उधर ए से बी की तरफ जा रहे हो, और वापस बी से किधर आ रहे हो आप, ए की तरफ आ रहे हो, वापस बी से आप ए की तरफ आ रहे हो, तो यहाँ पर आपको दिशा का पता भी चल रहा है और साथ में यहाँ पर संख्या तो मान भी चल रहा है। तो कैसी राशि होती है आपके, सदिश राशि होती है। तो विस्थापन कैसी राशि है आपके, सदिश राशि होती है। अब ठीक है, और यहाँ पर आगे और देख सकते हैं आपको, विस्थापन धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य होता है। अब देख सकते हो आप विस्थापन ऋणात्मक विस्थापन कैसे कहते हो, जैसे आपने ए से बी की तरफ गई, क्या किया आपने, ए से बी की तरफ गए, तो यहाँ पर आपका जो विस्थापन हुआ कैसा हुआ आपका, धनात्मक हुआ। कैसा हुआ, आप ए से बी की तरफ गए, जैसे आप ए से बी की तरफ पहले गए तो विस्थापन कैसा हुआ आपका, धनात्मक हुआ, और वापस जैसे आपने ए से बी की तरफ, बी से आप ए की तरफ आए, किधर आए आप, बी से आप ए की तरफ आए, जब बी से आप ए की तरफ आ रहे थे तो वापस कितने मीटर आए आपने, 3 मीटर आए, कितने मीटर आए आप, 3 मीटर आए। तो यहाँ पर जो विस्थापन हुआ कैसा विस्थापन हुआ आपका, ऋणात्मक विस्थापन हुआ। कैसा हुआ आपका, ऋणात्मक विस्थापन हुआ दोस्तों, कैसा हुआ आपका, ऋणात्मक विस्थापन हुआ। अब यहाँ पर देख सकते आप ए से चलना किया 5 मीटर और वापस आप एक पर वापस आ गए, आप के पर कहाँ पर आ गए, वापस आप ए बिंदु पर वापस आ गए, और चलना आपने ए से शुरू किया और वापस ए पर, यहाँ पर आपकी दूरी तो 10 मीटर हो जाएगी लेकिन विस्थापन क्या हो जाता है आपका, शून्य हो जाता है। विस्थापन क्या हो जाता है दोस्तों आपका, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर आपके तीनों की तीनों होती है, क्या होता है विस्थापन आपका, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और क्या होता है आपका, शून्य भी होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर आपका बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, आगे देख सकते हो आप जो आपका विस्थापन होता है समय के साथ क्या हो सकता है आपका, कम हो सकता है। विस्थापन क्या होगा आपका, समय के साथ आपका कम हो सकता है। जैसे आपको मैंने पहले एग्जांपल में बताया था, तो वहां पर आपका विस्थापन समय के साथ आपका कम भी हो सकता है, और साथ में आप देख सकते हो जो विस्थापन का जो मात्रक होता है वो आपकी दूरी के समान ही होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है आपका, दूरी के समान ही होता है। तो विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है आपका, मीटर ही होता है। क्या होता है आपका, विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है दोस्तों आपका, मीटर ही होता है। और विस्थापन का सीजीएस मात्रक क्या होता है आपका, सीजीएस मात्रक होता है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है आपका, सेंटीमीटर होता है। क्या होता है आपका, सीजीएस मात्रक क्या होता है आपका, सेंटीमीटर होता है। और वी में सूत्र भी आपका दूरी के समान ही होता है। तो वी में सूत्र क्या होता है आपका, एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर 0 हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए एम क्या है, यहाँ पर आपका द्रव्यमान है, क्या है एम, क्या यहाँ पर आपका द्रव्यमान है, और एल क्या यहाँ पर आपकी लंबाई है, एल क्या यहाँ पर आपके लंबाई है, और टी क्या यहाँ पर आपका समय होता है। क्या होता है टी, यहाँ पर क्या होता है आपका, समय होता है। अब इनके बाद देख सकते हो आप द्रव्यमान का मात्रक तो क्या होता है आपका, किलोग्राम होता है। क्या होता है आपका, किलोग्राम होता है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर होता है। और समय का मात्रक क्या होता है आपका, सेकंड होता है। क्या होता है आपका, सेकंड होता है। तो इसमें देख सकते हो जहां पर जो आपको दिखे वही लिखाना है। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर होता है। कितनी पावर इस पर, सिंगल पावर है। क्या होती है आपकी, सिंगल पावर होती है। तो यहाँ पर क्या बना आपका, एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर 0 हुई। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो कैसे, जैसे एल की पावर आपकी 1 हुई। अब आपने पता होना चाहिए जहां पर आपकी पावर शून्य होती है उसका मान क्या होता है आपका, 1 होता है। जहां भी आपका पावर का मान क्या होता है आपका, पावर लगी हुई शून्य में होती है, तो वहां पर आपका क्या होता है एल का, वहां पर मान क्या होता है आपका, 1 होता है। जैसे एम पर पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाता है आपका, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, 1 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में देख सकते हो आप दूरी और विस्थापन एक सीधे पथ में। जैसे आपने जा रहे हो केस फर्स्ट कहता आपका, जैसे आपने दूरी और विस्थापन में दोनों का आप साथ में अंतर देख सकते हो, वो कैसे, जैसे आपने एक सीधे पथ में जा रहे हो आप, ए से किधर जा रहे हो आप, बी की तरफ जा रहे हो, किधर जा रहे हो आप, ए से बी की तरफ जा रहे हो, और ये मान लो कि यहां पर आपकी 10 मीटर है, ये कितने मीटर है इसमें, 10 मीटर है। कितने मीटर आपका, 10 मीटर है। ए से बी के, ए से आप बी की तरफ जा रहे हो, किधर जा रहे हो आप, ए से बी की तरफ जा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर इनके बीच की दूरी कितने आपके, 10 मीटर है। कितनी दूरी आपकी, 10 मीटर है। तो यहाँ पर आपको पूछा जाए क्या दूरी, तो दूरी कितनी होती है यहाँ पर आपकी, जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी आपकी, 10 मीटर होगी। कितनी होगी आपकी, 10 मीटर होगी। और इसमें पूछा जाए आपको विस्थापन, तो विस्थापन भी क्या होता आपका, विस्थापन भी क्या होगा यहाँ पर आपका, 10 मीटर ही होगा। कितना होगा आपका विस्थापन भी, कितना होगा दोस्तों आपका, 10 मीटर ही होगा। तो आप ए से किधर जा रहे हो आप, बी की तरफ जा रहे हो आप, ए से किधर जा रहे हो आप, बी की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच के दो पॉइंट आपके ए पॉइंट और एक बी पॉइंट है। इन दोनों पॉइंटों के बीच में आपकी दूरी कितनी है, आपकी लंबाई कितनी है यहाँ पर, 10 मीटर है। इन दोनों बीच की लंबाई कितनी होती है आपकी, 10 मीटर होती है। लेंथ कितनी हो चुकी इसकी, 10 मीटर हो चुकी। तो यहाँ पर दूरी भी कितनी होगी आपकी, 10 मीटर होगी, और विस्थापन भी कितना होगा आप, 10 मीटर होगा। अब यहाँ पर बताया गया था आपको दूरी, दूरी और विस्थापन में देख सकते हो आप क्या अंतर हो सकता है, आप स्वयं देख सकते हो। दूरी और विस्थापन यहाँ पर दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं आपके, समान हो रहे हैं। कौन, दूरी भी समान है और आपका विस्थापन भी आपका समान है। ठीक है, आपका के सेकंड, के सेकंड में आप कहते हो जैसे आपने ए से किधर गया, आपने बी की तरफ, और हमने माना था पहले आपके जो ए से बी के बीच में लंबाई कितनी थी आपकी, 10 मीटर थी।
ठीक है, कितने लंबाई थी आपकी 10 मीटर थी, और वापस आपने आया कहां पर आए आप, इधर आ गए सी पॉइंट पर, आप वापस आ गए कहां पर आ गए आप सी पर, आप वापस आ गए, तो जो आपने ए से बी तक गए और वापस किधर आए आपने सी तक आए, कहां पर आए आपने सी पर आए, तो जब यहां पर आप जब सी पर आए तब आपने कितने मीटर वापस आए, आपने 5 मीटर लंबाई वापस आ चुकी, आपने कितने लंबाई वापस आ चुकी आपकी 5 मीटर लंबाई आ चुकी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप दूरी, यहाँ पर जब आप दूरी देखते हो तो आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी दूरी हो जाएगी आपकी 15 मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी दूरी, तो कितनी हो जाएगी आपके दोस्तों 15 मीटर हो जाएगी। और इसके साथ में जैसे आप देखते हो क्या विस्थापन, क्या देखते हो आप विस्थापन के बारे में आप चर्चा करते हो, किसके बारे में चर्चा करते हो आप विस्थापन के बारे में, तो आपका विस्थापन क्या कहाँ से देखना आपको, जो सी पॉइंट आपका कौन सा है, यहाँ पर आपका सी पॉइंट है ठीक है, तो आप सी से और ए के बीच में आपकी लंबाई देखनी है, तो सी से और ए के बीच में आपकी लंबाई कितनी बची आपके 5 मीटर बची, क्योंकि आप वापस बी से सी की तरफ किधर आ चुके आपने 5 मीटर, तो आप वापस आ चुके, तो इन दोनों के बीच में लंबाई कितनी बची आपके 5 मीटर बची, कितनी बची दोस्तों आपकी लंबाई 5 मीटर बची, तो यहाँ पर विस्थापन कितना हुआ आपका 5 मीटर हुआ, कितना हुआ आपका विस्थापन कितना हुआ 5 मीटर हुआ। अब ऐसे विस्थापन को आप क्या बोलते हो, आप ऋणात्मक विस्थापन भी कहते हो, आप क्या कहते हो आप इसे ऋणात्मक विस्थापन भी कहते हो, आप क्या कहते हो आप इसे ऋणात्मक विस्थापन भी कहते हो, आप क्या कहते हो आप इसे ऋणात्मक विस्थापन भी कहते हो, क्योंकि ये दिशा के विपरीत वापस आ गए, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका विस्थापन कैसे हुआ आपका ऋणात्मक हुआ। इसी तरीके से आप जो आपका पहले देख सकते हो ये विस्थापन था, ये कैसा विस्थापन हुआ आपका धनात्मक विस्थापन हुआ, कैसा हुआ ये आपका धनात्मक विस्थापन हुआ, कैसा विस्थापन हुआ ये आपका धनात्मक विस्थापन हुआ दोस्तों, कैसा विस्थापन हुआ ये आपका धनात्मक विस्थापन हुआ। अब इसके बाद में जैसे हम आगे देखते हैं केस, केस आपका थर्ड देखिए, केस थर्ड कहता आपका एक सीधे पथ में, यहां पर देखिए आप ऐसे चलना शुरू किया और आप बी तक चले गए, तो यहां पर हमने पहले माने थे आपकी लंबाई कितनी थी आपकी 10 मीटर, तो आप एस के से बी के बीच में लंबाई कितनी आपकी 10 मीटर, और वापस आप कहां कौन से पॉइंट पर आ गए आपके ए पॉइंट पर वापस आ गए, तो वापस आए तो तब भी लंबाई कितनी आपकी 10 मीटर है, कितने मीटर आपके 10 मीटर है। तो यहां पर जब देखते हो आप क्या दूरी, यहां पर जब आप दूरी देखते हो दूरी कितनी हो जाती है 10, आपने चली बी तक और बी से वापस कहां पर आए आप ए पर आए, बी से वापस कहां पर आए आप ए पर आए, तब यहां पर आपकी जो यहाँ पर आपकी दूरी कितनी हो जाएगी आपके 20 मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपके 20 मीटर हो जाएगी। इसके साथ देखते हो आप क्या विस्थापन देखते हो, आप क्या देखते हो आप विस्थापन देखते हो, तो विस्थापन कितना हुआ यहाँ पर आपने, अब विस्थापन आपको पूछा जाता है दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए, तो यहाँ पर जब आप ऐसे चलना शुरू किया और वापस आप ए के समान आ चुके आपने ठीक है, जब आप ऐसे चलना शुरू किया और वापस ए पर आ गए तो इनका बिंदुओं के बीच में कोई लंबाई नहीं बची, आप जहां से चलना शुरू किया वहां पर आप वापस आकर रुक गए, जब आप वापस वहां पर आकर रुक गए तब यहाँ पर विस्थापन क्या होगा आपका शून्य होगा, क्या होगा आपका शून्य होगा, तो विस्थापन क्या हुआ यहाँ पर आपका शून्य मीटर हुआ, तो यहाँ पर आपका विस्थापन कैसा हुआ आपका शून्य हुआ ठीक है। तो अब आप एक चीज देख सकते हो क्या कि आपका विस्थापन हमेशा क्या हो सकता है आपका धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है ठीक है। तो आपने तीनों की तरह देख सकते हो आप विस्थापन के बारे में, और दूरी क्या होती है हमेशा आपकी पॉजिटिव होती है, क्या होती है आपकी दूरी क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, विस्थापन आपका नेगेटिव हो सकता है विस्थापन आपका ऋणात्मक हो सकता है। अब एक तो हमने देख लिया सीधे पथ में, इसके बाद में देखते हैं एक वर्तीय पथ आता आपका ठीक है, वर्तीय पथ में भी आपको वो चीजें आती है आपकी ध्यान में रखना, वर्तीय पथ में भी वो चीजें होती है जैसे आपने एक सीधे पथ में देखा था, सीधे पथ में जो चीजें आती है उसी तरीके से आप वर्तीय पथ में भी देख सकते हो। तो हम जैसे आगे देखते हैं आपका आगे दे रखा आपका दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन जब आप वर्तीय पथ में आप जब गति करते हो, आप वर्तीय पथ में आपकी जो लंबाई होती है ठीक है, आप इसके जैसे आपका वर्त और इसके आप चारों ओर एक चक्कर लगा रहे हो, तो यहाँ पर आप जैसे आपने गति के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसी बारे में हम चर्चा कर सकते हैं जैसे आपका वर्तीय पथ, और यहां से देख सकते हो आप जैसे वर्त का आप एक पूरा चक्कर लगाते हो, क्या करते हो आप एक पूरा चक्कर लगाते हो, आप क्या करते हो एक पूरा चक्कर लगाते हो, आप फर्स्ट आपका केस कहता है कि आप यहाँ से ऐसे चलना शुरू किया ठीक है, ऐसे चलना आपने शुरू किया और वापस आप ए पर आकर रुके, जैसे यहां से चलना शुरू किया और वापस आप ए पर आकर रुक गए, तो यहां पर आपके पहले पूछी जाती है आपकी दूरी, क्या पूछी जाती है आपकी दूरी होती है ठीक है। जब इनके बारे में आपको दूरी के बारे में पूछा जाए तो आपने देखा एक वर्त होता है और वर्त के जो चारों ओर चक्कर लगा तो क्या होती है आपके वर्त के चारों ओर क्या होता है इसका परिधि होती है, क्या होती है आपके परिधि होती है, तो वर्त का ये तो क्या हुआ आपका सेंटर हुआ, क्या हुआ आपका केंद्र हुआ, क्या हुआ आपका केंद्र हुआ, इसके जब आप चारों ओर चक्कर लगाते हो किसके समान हो चुके आपके परिधि के समान हो चुके, किसके समान हो चुके आप अपने परिधि के समान हो चुके, तो यहाँ पर दूरी तो किसके बराबर होगी आपके 2πr के बराबर होगी, किसके बराबर होगी आपके 2πr के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पर देखो विस्थापन, जहां ए से चलना शुरू किया और वापस ए पर आकर रुक गए, एक पूरा चक्कर लगा रहा है ए से चलना शुरू किया और वापस एक ए पर आकर रुक गए, तो यहाँ पर आपका विस्थापन देखते हो आप, क्या देखते हो आप विस्थापन, तो विस्थापन यहाँ पर क्या होता है आपका शून्य हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। अब इसके आप जैसे आपको त्रिज्या भी मान सकते हो, क्या मान सकते हो आप त्रिज्या, जैसे मान लो कि इस वर्त की त्रिज्या कितनी आपके 7 मीटर, मान लो आप इस वर्त की त्रिज्या कितनी आप
जैसे ये इसकी त्रिज्या हुई, और त्रिज्या कितनी इसकी 7 मीटर है, कितनी इसकी 7 मीटर है। तो इसके आप 7 मीटर निकालते हो तो इसका विस्थापन तो क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। और 2πr का मान परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि का मान निकाल सकते हो आप, जैसे 2 हो चुका आपका, 2 इंटू क्या हो चुका आपका 22/7 हो चुका, इंटू क्या हो चुकी आपके 7, क्योंकि आपकी त्रिज्या देखो 2πr, तो r से तो जो आपके 7 से 7 कैंसिल हो गया आपका, क्या हो चुका आपका 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो चुका। यहाँ पर आपके देख सकते हो आप जो परिधि हुई वो कितनी हो जाएगी आपके, जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 44 मीटर हो जाएगी। यहाँ पर आपने देखा कितनी हो, यहाँ पर आपकी त्रिज्या 7 मीटर है, कितनी है यहाँ पर आपकी त्रिज्या देख सकते हो आप 7 हो, तो यहाँ पर आप मान रख सकते हो किसमें 2πr, पाई का मान 22/7 रख लो, आर का मान आपने 7 मीटर दे दिया, तो यहाँ पर दूरी तो कितनी हो जाएगी आपके 44 मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपके 44 मीटर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो आपका विस्थापन, विस्थापन क्या हुआ यहाँ पर आपका शून्य होगा, ये तो क्या हुई आपकी दूरी हुई, क्या हुई आपकी दूरी हुई, और विस्थापन यहाँ पर क्या होता है आपका शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा विस्थापन आपका क्या हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे चलना शुरू किया और वापस आप कहाँ कर रुक गए आप एपरी आकर रुक गए, तो इसे यहाँ पर क्या हुआ आपका जो विस्थापन हुआ वो क्या हो चुका आपका शून्य हो चुका, क्या हो चुका आपका विस्थापन दोस्तों क्या हो चुका आपका शून्य हो चुका। इसके बाद में देखते हैं हम आगे दूसरा केस कहता है आपका, दूसरा केस में हम ये चर्चा करते हैं, जैसे आप एक वर्त है यहाँ से आपने चलना शुरू किया, कौन से पॉइंट से आप इससे चलना शुरू किया, और यहाँ पर इसके मान लो कि आपने आधा चक्कर लगाया, कैसा क्या किया आपने आधा चक्कर लगाया, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब आपने क्या किया आधा चक्कर लगाया, क्या किया आपने आधा चक्कर लगाया, ठीक है, क्या किया आपने आधा चक्कर लगाया, एक वर्ताकार की क्या हो आपका आधा चक्कर हो, क्या हो आपका आधा चक्कर, या आप बोल सकते हो आप आधा चक्कर, या बोल सकते हो आपका 1/2 चक्कर भी बोल सकते हो आप, किसे बोल सकते हो आप 1/2, ठीक है, आपका क्या हुआ ये 1/2, तो यहाँ से आपने देखा यहाँ से चलना शुरू किया और ये क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ इसका बी हुआ, क्या हुआ आपका बी हुआ, और ये कोई इसका सेंटर आपका केंद्र है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ इसका व्यास हुआ, क्या हुआ ये क्या हुआ इसका व्यास हुआ, और यहाँ पर ये पॉइंट आपका इस पॉइंट से यहाँ पर ये क्या हुई इसकी आर हुई, क्या हुई आर हुई, क्या हुई ये क्या इसकी आर है दोस्तों, क्या है इसकी ये क्या है यहाँ से यहाँ तक आपकी देख सकते हो इसकी आर हो चुकी है, ठीक है। जब आपने देखा इसके जब आधा चक्कर लगा रहा है, क्या कर रहा है एक वर्त के जब ये आधा चक्कर लगा रहा है तब इसकी दूरी क्या हो जाएगी, इसकी दूरी के बारे में देखते हो आप किसके जिसके आप आधा चक्कर लगा रहे वर्ताकार पथ पर, तो दूरी क्या हो जाएगी, जैसे आपने पहले कितनी थी आपके पूरा चक्कर लगा रहे थे तब कितनी दूरी थी आपके 2πr थी, तो लेकिन जैसे इसमें आप आधा चक्कर लगा रहे हो तो इसमें आप जैसे आधा चक्कर लगा रहे हो तो आपकी पहले दूरी कितनी थी आपके 2πr थी, ठीक है, और यहाँ पर आधा चक्कर लगा रहे हो तो आप 1/2, तो आप 1/2 से आप इसको क्या कर दो साथ में आप 2 का 1/2 से आप इससे क्या कर दो आप गुणा कर दो, ठीक है, जब 2 से 2 क्या हो चुका आपका कैंसिल हो चुका, तो दूरी कितनी बची आपके पाई आर बची, क्या बची आपकी दूरी कितनी बची आपके पाई आर बची, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप विस्थापन, विस्थापन में देख सकते हो आप विस्थापन क्या होगा, अब आप देखिए विस्थापन, विस्थापन में आपने देखा दो बिंदु के बीच में क्या होती है आपके न्यूनतम लंबाई होती है, क्या होती है आपके दो बिंदु के बीच में न्यूनतम लंबाई। अब ऐसे चलना शुरू किया और आप कहां पर गए आप बी तक गए, कहां पर गए आप ऐसे चलना शुरू किया और गए कहां तक आपने बी तक गए, जब इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो आर, ये भी त्रिज्या आर है और ये भी त्रिज्या आर है, तो आर और आर क्या हुई आपके 2r, तो ये क्या होगा एक वर्त के व्यास के समान हो चुका, क्या हो चुका आपका जो जो आपकी त्रिज्या होती है वर्त की कितनी होती है आपकी आधी होती है, कितनी होती है आधी होती है, तो जो आर और आर क्या हो चुका आपका 2r हो चुका, कितना हो चुका आपका 2r हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप जैसे संख्यात्मक मान में माना था, हमने पहले वाले केस में इसकी त्रिज्या हमने कितनी मानी थी आपने 7 मानी थी, कितनी मानी थी आपने 7 मीटर इसकी क्या मानी थी आपने त्रिज्या मानी थी, तो जब 7 मीटर त्रिज्या मानते तो आपने इसकी जो आपने पहले देखो दूरी, तो दूरी में आप इसके मान देख सकते हो आप, क्या देख सकते हो आप दूरी, तो दूरी में जब इसका मान देख सकते हो आप पाई आर हो जाता आपका, क्या हो जाता है पाई आर, पाई का मान आप रख दो 22/7 और आपकी त्रिज्या कितनी आपके 7, तो 7 से 7 क्या हो गया आपका कैंसिल, तो दूरी कितनी बची आपके 22 मीटर बची, कितनी बची आपके दूरी कितनी बची आपके 22 मीटर बची। इसके बाद में देखते हो आप विस्थापन, तो विस्थापन यहाँ पर 7 हुआ यहाँ पर 7 हुआ, तो विस्थापन कितना हुआ आपका 14 मीटर हुआ, क्या हुआ आपका विस्थापन क्या हुआ यहाँ पर आपका 14 मीटर हुआ, कितना हुआ विस्थापन कितना हुआ यहाँ पर आपका 14 मीटर हुआ, कितना हुआ आपका 14 मीटर हुआ, क्योंकि 7 और 7 कितने हो चुके हैं आप इधर भी 7 और इधर भी 7, तो कितना हो चुका आपका 14 मीटर हो चुका दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं आपने केस थर्ड, किसमें वर्तीय पथ में देखते हैं आप, किसमें देखते हो आप वर्तीय पथ में, आप जब देखते हो केस थर्ड देखते हो, तो यहाँ पर इसको बोला जाता है जब आप 1/4 चक्कर लगाते हो, क्या करते हो जब आप 1/4 क्या लगाते हो आप चक्कर लगाते हो, क्या लगाते हो आप 1/4 चक्कर लगाते हो, जैसे यहाँ पर इसका क्या आपका सेंटर है, क्या आपका वर्त का कोई केंद्र है, ठीक है, और यहाँ से चलना आपने देखा और यहाँ तक आप गए, ठीक है ठीक है, यहाँ तक आप गए और इधर आपका ये क्या हुआ इसका 1/4 बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका 1/4 बन चुका, ठीक है। यहाँ पर जब ये 1/4 बना आपका, क्योंकि आपके वर्त का आपने देखो यहाँ पर आधा हो जाएगा इधर आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बचा आपका 1/4 चक्कर बचा, जब आप इसके 1/4 चक्कर आप लगाते हो तब आपने देखो दूरी,
जब आप 100 का सोता है आप चक्कर लगाते हो किसी वर्ती पथ पर, तो आप इसकी दूरी देखते हो आप, तो हमने क्या किया आपका जो टोटल दूरी कितनी होती है आपकी, एक सोता है तो 1/4 इंटू क्या हो जाती है आपके 2 पाई आर हो जाती है, ठीक है। जब ये 2 से कितने बार कटा आपका, 4, 2 बार कटा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या आपका, दूरी कितनी बची आपके, पाई आर बटे क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपके, पाई आर बटे आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर पूछा जाता है आपको विस्थापन, यहाँ पर आपका विस्थापन इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको विस्थापन निकालना, तो ये तो आपके जो आपके चाप की लंबाई बन चुकी है, क्या बनी आपकी चाप की लंबाई, जो आपके चाप की लंबाई बनी है तो क्या हुई आपकी दूरी हुई। लेकिन आपने यहाँ पर आपने ए आपका कोई पॉइंट और यहाँ पर क्या आपका पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, इन दोनों बीच पॉइंटों के बीच में आपको न्यूनतम लंबाई यानी कि आपको सीधी दूरी निकालनी है। जैसे आप इसके बीच में आप सीधी दूरी निकालते हो, आप ऐसे मान लो आप इसमें क्या निकालते हो, आप सीधी दूरी निकालते हो, ठीक है। ये आपकी क्या निकालते हो आप, सीधी दूरी। तो ये आपका ट्राइंगल बना कि नहीं बना आपका, क्या बना आपका ट्राइंगल। और यहाँ पर जो एक ये जो कोण बना ये कैसा बना आपका, समकोण बन चुका आपका, क्या बन चुका आपका, समकोण बन चुका। मान लो ये आपके 7 सेंटीमीटर है, ये कितने आपके 7 मीटर मान लो, और ये भी कितने मान लो आपके 7 मीटर मान लो, क्या मान लो आपको 7 मीटर मान लो। तो आपने देखा पाई आर पहले आपके 44 आई थी, फिर आपके 22 आ चुकी, अब यहाँ पर देखो 22 की भी आपकी आधे हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूरी, जब आप यहाँ पर आप क्या निकालते हो, आप दूरी निकालते हो, आप क्या निकालते हो, आप दूरी निकालते हो। जब दूरी निकालते हो तो क्या हो जाता है आपका, पाई आर बटे क्या है आपका 2 है, क्या आपका पाई आर बटे 2 है। तो यहाँ पर आपका पाई का मान कितना हो जाता है आपका 22/7 इंटू आर कितनी आपकी 7, और बटे में कितना आपका 2 पहले था ये, तो ये 7 से 7 कैंसिल, और 2 से कितनी बार कटे 11 बार। तो यहाँ पर दूरी देख सकते हो आप, तो दूरी कितनी हो चुकी है आपकी 11 मीटर हो चुकी, कितनी हो चुकी है आपकी दूरी, कितनी आपके 11 मीटर है। लेकिन आपको इसका निकालना, आपको जो एक आपका कौन सा त्रिभुज बन चुका आपका, समकोण त्रिभुज बन चुका, कौन सा बन चुका आपका, समकोण ट्रायंगल बन चुका आपका, समकोण त्रिभुज बन चुका। तो समकोण में आपने देखा ये तो क्या हो चुका, इसका लंब हो चुका, ये क्या चुका आधार हो चुका। ये आपको सीधी दूरी निकालनी हो क्या आपकी करण होती है, क्या होती है आपके करण होती है। तो जब आपके करण के बारे में निकालना होता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि क्या, कि करण स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, करण स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, लंब का स्क्वायर होता है, क्या होता है आपका लंब का स्क्वायर होता है, प्लस में क्या होता है आपका आधार का स्क्वायर होता है, क्या होता है आपका आधार का, क्या होता है आपका स्क्वायर होता है, क्या होता है आपका आधार का स्क्वायर होता है। करंट स्क्वायर बराबर क्या हुआ आपका, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हुआ आपका आधार का स्क्वायर हुआ दोस्तों, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे आप इसको करंट का स्क्वायर हटाते हो तो करंट बराबर क्या बचा आपका, करंट बराबर क्या बचा आपका, लंब का स्क्वायर, क्या बचा आपका लंब का स्क्वायर, प्लस में क्या हुआ हुआ आपका आधार का स्क्वायर, क्या हुआ आपका आधार का स्क्वायर हुआ, ठीक है, क्या हुआ आपका आधार का स्क्वायर हुआ। अब देख सकते हो ये वाली त्रिज्या भी क्या थी आपकी, आर थी, ये क्या थी आपकी, जो आपकी त्रिज्या मान लो ये भी क्या थी आपकी आर थी, और ये त्रिज्या भी आपकी क्या थी आर थी। जब आर का स्क्वायर करो, यहाँ पर जैसे आप करते हो आर का स्क्वायर करते हो, आप क्या करते हो आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है आपका आर का स्क्वायर हो जाता है, तो ठीक है। तो बना क्या आपका 2r² बना, क्या बना आपका, बना क्या आपका 2r² बचा, क्या बचा आपका 2r². अब जैसे आप अंडर रूट हटाते हो आप, तो अंडर रूट हटाते हो आप तो क्या बना इसका, तो क्या बना आपका अंडर रूट 2r बचा आपका, क्या बचा अंडर रूट 2r बचा, या r अंडर रूट 2 बचा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो विस्थापन क्या बनेगा यहाँ पर आपका, विस्थापन क्या बनेगा यहाँ पर, जब विस्थापन बनेगा आपका तो वो क्या बनेगा आपका 2√2r होगा, क्या होगा आपका √2r होगा, क्या होगा आपका विस्थापन, किसमें आप जब एक चौथाई आप चक्कर लगाते हो। लेकिन इसमें ही जब आप देखते हो आप इसकी जो विस्थापन आपको किसमें चाहिए, मान में चाहिए, तो इसमें जब आप विस्थापन के बारे में देखते हो तो विस्थापन यहाँ पर देखते हो आप तो क्या हुआ आपका, विस्थापन का आपने देख लिया सीधे सीधे तो क्या होगा आपका √2r। तो यहाँ पर r कितने आपके 7 है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, यहाँ पर r का मान रख दो आप 7 हो जाएगा, तो विस्थापन कितना हो जाएगा आपका 7√2 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 7√2 मीटर हो जाएगा। ये तो क्या हुआ आपका विस्थापन के बारे में, ठीक है। तो आपको विस्थापन में कोई भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, चाहे आपको एक सीधी रेखा में विस्थापन के बारे में पूछे, या आपको चाहे कोई वर्तीय पथ के बारे में पूछे, चाहे आपका आधा चक्कर लगाना हो, चाहे आपको 1/2 चक्कर लगाने हो, चाहे आपको 1/4 चक्कर लगाना हो, चाहे आपने एक पूरा चक्कर लगाना हो, लेकिन आपको उसका अगर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है यहाँ से, तो जब आपका न्यूमेरिकल कोई भी आपका पूछा जाए आपको वर्त से संबंधित आपका, तो एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए आपको। ये आपको जो मैंने तीन जो आपको केस बताए थे, यहाँ पर इस तीनों के तीनों केस से आपका होगा। यहाँ पर आपने देखा दूरी का मान कैसा होता है, आपने विस्थापन का मान सीख लेना, ये आपको जो आपको मैंने फॉर्मूले बताए, या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट बना लो अपना आप, जैसे आप वर्त के चारों ओर चक्कर लगा रहे, क्योंकि आप मैथ भी पढ़ते हो, और मैथ में आप जब क्षेत्रमिति पढ़ते हो, क्षेत्रमिति आप वर्त भी आता है, वहां पर आपका वर्त आता है, और वर्त के जब आपके चारों ओर की जो चक्कर लगाते हो किसके समान होता है आपका, परिधि के समान होता है, किसके समान होता है आपका, परिधि के समान होता है, और वर्त की परिधि का जो आपको फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका 2πr होता है, क्या होता है आपका 2πr होता है। तो यहाँ पर आपको साथ में आप मैथ भी क्लियर हो रही है आपको, यदि जहाँ पर आप मैथ अच्छी तरीके से पढ़ रखें, यहाँ पर
आपको दूरी और विस्थापन भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। इसी के साथ हम जैसे आप चाल आता है, चाल आपके मैथ में भी टॉपिक है, यहाँ भी आपको चाल के बारे में ऐसा मात्रा विमा ये पूछ जाते हैं, वहाँ पर आपके अलग पूछा है, आपके चाल टाइम स्पीड और डिस्टेंस आपका वहाँ पर भी आपका एक टॉपिक है मैथ के अंदर। यहाँ पर हम आपको चाल दूरी ये पढ़ा रहे हैं आपको विस्थापन, ठीक है। अगला देखिए आप इसमें, अगला देखिए यहाँ पर दे रखा आपको ट्राइंगल, दे रखा आपको क्या दे रखा आपको ट्राइंगल दे रखा, और ट्राइंगल में आपको कैसा ट्राइंगल आपका समकोण है, कैसा ट्राइंगल है समकोण है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये कैसा आपका समकोण है, कैसा है ये आपका, कैसा आपका समकोण है। अब जब ये समकोण ट्राइंगल है तो यहाँ पर आपको जब दूरी और विस्थापन पूछा जाए, जैसे आपने मान सकते हो ये ट्राइंगल है, इसका जब ये मान लो कि आप इसका लंब कितना है आपका 3 मीटर, आपका कितना आपका 3 मीटर है, और यहाँ पर कितना आपका 4 मीटर है, कितना आपका 4 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने पहले बताया था उसी तरीके से आपका क्या हो सकता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो, एक तो आपको जब मैथ में आपने सीखा होगा जैसे आपने कोई त्रिक आते हैं जैसे 3 4 5 होती है आपकी, 6 8 10 होती है, आपने देख सकते हो आप 9 9 12 15 होगा, इस तरीके से आप सीख सकते हो इसके, आपने जैसे 3 4 और 5 मीटर आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका 3 4 और 5 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखना चाहते हो आप दूरी, तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी दूरी, तो दूरी तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपने चलना शुरू किया ऐसे चलना शुरू किया, ठीक है, और चला कहाँ तक आप बीच तक चले, तो यहाँ पर आपने चलना शुरू किया ऐसे चले आपने पहले, फिर आपने ऐसे चले, ठीक है, यहाँ पर चले आपने, तो यहाँ पर दूरी तो कितनी होगी 3 और 4 आपके 7 मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपके दूरी तो कितनी हो जाएगी आपकी 3 और 7 मीटर हो, 3 और 4 तो टोटल कितनी हो गई आपकी 7 मीटर हो चुकी। आपको फिर पूछा जाए विस्थापन, क्या पूछा जाए आपको विस्थापन, तो आपको जब विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन क्या होगा आपका जो सीधे वाला होगा, तो सीधे कितना हो चुका आपका 5 मीटर हो गया आपका, कितना हो चुका आपका 5 मीटर हो चुका। तो आपने देख सकते हो आप 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 होता है, कितना होता है आपका 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 होता है, 9 और 16 कितने हो जाते हैं आपके 25 हो जाते, 25 का अंडर रूट हटाते हो तो आपका क्या बन जाता है आपका 5 बन जाता है, वो कैसे, जैसे आपने 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस क्या करें आप 4 का स्क्वायर का क्या करें अंडर रूट करें तो अब आपका कर्ण आ जाएगा, तो 9 प्लस क्या हो गया आपका 16 हो गया, क्या हो चुका आपका 16, तो टोटल कितना हुआ आपका 25 हुआ, तो बचा कितना आपका 5 मीटर हुआ, क्या हुआ आपका 5 मीटर विस्थापन हुआ, कितना हुआ आपका 5 मीटर हुआ, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हो, जैसे आप ये मान लो आपका ये लंब कितना आपका 5 मीटर मान लिया हमने, लंब कितना माना आपने 5 मीटर माना, और आपका जो आधार ये कितना हुआ आपका 12 मीटर हुआ, आधार कितना हुआ आपका 12 मीटर हुआ, तो आपका कर्ण कितना होगा, यहाँ पर देखो आपको जब दूरी पूछी जाए इस ट्राइंगल में, आपको क्या पूछी जाए आपको इस ट्राइंगल में जब आपको दूरी पूछी जाए आपको, तो दूरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपके 5 और 12 कितनी हो जाएगी, यहाँ से ऐसे चलना शुरू किया और बी तक आना आपको, यहाँ पे ये आपका एबीसी आना आपको, क्या है एबीसी, एबीसी पर तक आना आपको, ऐसे चले आप बी तक आए, बी से वापस कहाँ तक गए आप सी तक गए, तो यहाँ पर आपकी दूरी तो कितनी हो जाएगी आपकी 17 मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी 17 मीटर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा जाए क्या विस्थापन पूछा जाए आपको, क्या पूछा जाए आपको विस्थापन पूछा जाए, तो विस्थापन आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको निकालना, तो सीधी दूरी निकालनी होती है, और जो सीधी दूरी निकाल रही है कि ट्राइंगल का आपको समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर इसका क्या होता है आपका कर्ण बन गया आपका, क्या बन गया आपका कर्ण बन गया, तो कर्ण बराबर क्या होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका आधार का स्क्वायर होता है, तो ठीक है। तो हमें ए और सी का निकालना आपको, किसे का निकालना आपका ए और सी के, जो मध्य बिंदु का आपकी सीधी लंबाई वो निकालनी है, तो ए और सी का आप देखते हो तो वो क्या होगा आपका, जैसे 5 का स्क्वायर बना और साथ में कितने का बना आपका 12 का स्क्वायर बना, तो जैसे आपने देख सकते हो 5 का तो कितना होता है आपका 25 होता है, और 12 कितना होता है आपका 144 होता है, कितना होता है आपका 12 कितना होता है आपका 144 होता है, और 25 और आपका 144 कितना होता है आपका 169 होता है, कितना होता है आपका 169, और 169 का आप अंडर रूट निकालते हो तो किसका होता है आपका 13 का वर्ग ही होता है, किसका होता है आपका 13 का वर्ग होता है, तो ये किसका हुआ आपका, ये दूरी कितनी हुई आपकी 13 हुई, तो यहाँ पर आपका विस्थापन कितना हुआ आपका 13 हुआ, कितना हुआ आपका विस्थापन कितना हुआ यहाँ पर आपका दोस्तों 13 हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप इन, जब आप आपने देखा है सीधे पथ में देख लिया, आपने ट्रायंगल में देख लिया, आपने वर्तीय पथ में देख लिया, तो यहाँ पर आप एक चीज का आप निष्कर्ष निकाल सकते हो क्या, कि दूरी होती है वो या तो विस्थापन से क्या होगी अधिक होगी या उसके बराबर होगी, लेकिन आपकी दूरी विस्थापन से कभी कम नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती आपकी दूरी विस्थापन से कभी नहीं हो सकती, तो यहाँ पर भी दिया गया आपका दूरी विस्थापन के बराबर और अधिक हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती, तो यहाँ पर देख सकते हो आप क्या दूरी जो आपका, इसको फॉर्मूले के रूप में लिख से आप एक कोड वर्ड में लिखना चाहिए, तो दूरी जो विस्थापन से तो क्या आपके अधिक होगी या बराबर होगी, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो आप, ठीक है, आप इस तरीके से भी इसे आसानी से आराम से आप लिख सकते हो। तो ये तो बना आपका दूरी के बारे में, आपने इतनी देर जो केस पढ़े थे आपने अलग अलग पढ़े थे, उसका निष्कर्ष आपका ये निकला साथ में, तो आप देख सकते हो आपके दूरी विस्थापन के बारे में, ठीक है। इसके बाद में हम जब आगे चलते हैं,
आगे आपका एक साथ में न्यूमेरिकल है, ये आपके एनसीईआरटी आधारित न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पर आप हल करके बताना कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपका, एक किसान 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 मीटर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, क्या करता है 40 सेकंड में आपका चक्कर लगाता है, 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा, विस्थापन का परिमाण क्या होगा। अब आपको मैं ये बोल रहा हूं कि आपको विस्थापन के साथ साथ इसमें आप दूरी भी बताना मेरे को, विस्थापन के साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में इसकी आप दूरी भी बताना। अब यहां पर बताइए कि वर्गाकार, तो आपने देखा वर्ग, और वर्ग की आपने देखा होगा चारों भुजा क्या होती है आपके समान होती है, क्या होती है आपकी वर्ग होता है आपके, और वर्ग की क्या होती है आपकी चारों भुजा क्या होती है आपके समान होती है, क्या होती है आपका, जैसे ये वर्ग आपका ठीक है, और ये वर्ग आपका, ये क्या आपका वर्ग है ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्ग आपका, और वर्ग की आपने देखा इसकी चारों भुजा कितने की आपके 10-10 मीटर की, कितने की आपके 10-10 मीटर की, कितने की आपके 10-10 मीटर की ठीक है, कितने की आपके 10-10 मीटर की है ठीक है। अब यहाँ पर इसके चारों ओर एक चक्कर लगाना शुरू किया, जैसे यहाँ पर ये ऐसे चलना शुरू किया आपका, फिर यहाँ पर इसका अगला पॉइंट आपका बी है, फिर सी है और फिर डी है ठीक है। जब इसने पूरा एक चक्कर लगाया, ऐसे चलना शुरू किया और ए पर आई, तब इसने दूरी कितने तय की आपने 40 मीटर की, कितने की 40 मीटर, और कितने समय में की 40 सेकंड में, कितने समय में की आपके 40 सेकंड में दूरी तय की। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 मिनट और 40 सेकंड, यहाँ पर देखिए आपके 2 मिनट और कितने आपके 40 सेकंड है, कितने आपके 2 मिनट और कितने आपके 20 सेकंड आपके, कितने आपके 2 मिनट और कितने आपके 20 सेकंड है, तो इसमें आप बनाइए आप किसके, इसको सेकंड में बनाइए, आप टोटल को सेकंड में बनाते हो, 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाती है आपकी 120 सेकंड, और 20 सेकंड और जोड़ दो तो कितने हो गए आपके 140 सेकंड हो चुके, कितने हो चुके आपकी 140 सेकंड हो चुकी ठीक है। जब ये एक चक्कर लगा रहा है आपका, एक चक्कर लगा रहा है तो कितना समय ले रहा है आपका 40 सेकंड ले रहा है ठीक है, पहले 40 मीटर दूरी तय की इसने और कितने तय किए आपके 40 सेकंड तय की, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, या तो इसको आप कुछ अलग तरीके से निकालो या आप इसके चक्कर गिनकर निकालो, आप जैसे ऐसे चलना शुरू किया और पहले एक चक्कर लगाए ए तक, तो पहले इसकी देखो 40 सेकंड तो क्या हो गई आपके पूरी हो चुकी ठीक है, पहले 40 सेकंड पूरी हो चुकी इसकी ठीक है। फिर आप अगली देखते हो, अगली देर से दूसरा चक्कर लगाए ऐसे, तब इसकी 40 सेकंड पूरी हो चुकी, कितनी हो चुकी इसकी 40 सेकंड पूरी हो चुकी। फिर आप अगले एक चक्कर और लगाते हो, तब इसकी कितनी 40 सेकंड पूरी हो चुकी, कितनी हो चुकी 40 सेकंड पूरी हो चुकी। इसके बाद में बची कितनी इसकी 20 सेकंड बची, कितनी बची आपके 20 सेकंड बची ठीक है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर ये जब ये वापस ए पॉइंट पर आ रहा था, तब हर बार जब इसका एक पूरा चक्कर लगाता है तो जिस पॉइंट से आकर ये रुका, ये जिस पॉइंट से आकर रुका वहां पर ये वापस आकर रुक रहा, तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा इसका शून्य हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा इसका शून्य हो जाएगा। जब इसने 3 चक्कर पूरे किए तब तो विस्थापन क्या था इसका शून्य था, लेकिन अगला टाइम कितना बचा इसका 20 सेकंड बचा, कितना बचा इसका 20 सेकंड का टाइम बचा अगला। जैसे ये 20 सेकंड किया तो जब यहां से 10 सेकंड में यहां तक आया, फिर अगले 10 सेकंड में सी तक गया, कहां तक गया आपका सी तक गया ठीक है, कहां तक गया आपका सी तक गया। जब ये सी तक जा रहा था तो कहां तक जा रहा था, ये सी तक जा रहा था, सी तक जा रहा था, तो यहां पर इसने कितने दूरी बची आपके 20 मीटर बची, यहां पर ये कितने 10 से 10। अब इसका बताना आपको क्या करण बताना, ये क्या बताना है इसका करण बताना, ये सीधी दूरी बतानी है, ये कितने डिग्री का आपने देखा होगा एक वर्ग होता है, वर्ग का जो आपने कोण बनता है वो कितने डिग्री का बन रहा है आपका 90 डिग्री का बन चुका, तो वापस वो क्या आ चुका इसका ट्राइंगल आ चुका, क्या आ चुका इसका ट्राइंगल वाला आ चुका। आपको ए और सी के बीच में बतानी है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप बी और सी तो क्या बना आपका लंब बना, और ए और बी क्या बना आपका आधार बना, तो एसी बराबर निकालना आपको। यहाँ पर देखो हर बार जो एक चक्कर लगा रहा तब तो इसका विस्थापन का शून्य हुआ, लेकिन अंत में जो 20 सेकंड से लिया आपने वो ए से बी तक गए, बी से आपका सी तक गया, क्योंकि आपने देखा कि 40 मीटर की दूरी 40 सेकंड में तय कर रहा है, क्योंकि एक जब चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो प्रत्येक वर्ग की भुजा कितनी आपकी 10 सेंटीमीटर के चारों ओर का एक चक्कर लगा रहा है, तो आपने देखा वर्ग का परिमाप, तो आपने वर्ग का परिमाप कितना हुआ आपका 40 हुआ। जब दूरी 40 कर रहा है कितने 40 सेकंड में, तो एक सेकंड में कितनी दूरी करेगा आपका 1 मीटर करेगा, कितना करेगा आपका 1 मीटर करेगा, तो लेकिन यहाँ पर देखो 20 सेकंड बची, तो 20 सेकंड में आपने देखा दूरी, तो दूरी कितने की आपकी 20 सेकंड की। अब यहाँ पर देखो पहले 40 सेकंड में यहाँ पर विस्थापन देखते हो आप, क्या देखते हो आप विस्थापन, क्या देखते हो आप विस्थापन, पहले 40 सेकंड में कितना हुआ इसका 0 हुआ, कितना हुआ 0। अगला एक चक्कर लगा 40 सेकंड में 0, फिर आपका अगला 40 सेकंड में आपका 0 हुआ। अब अगला बताना आपका किसका 20 सेकंड वाला बताना, आप कौन सा बताना आपको 20 सेकंड वाला बताना है, तो यहां पर देख सकते हो आप इसका करण का स्क्वायर निकालो आप एसी का, जैसे आपने 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर आप निकालते हो, क्या निकालते हो आप 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर निकालते हो आप, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, और यहां पर देख सकते हो आप 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, तो कितना हो जाता है अंडर रूट में कितना हो चुका आपका एसी बराबर क्या बना आपका, एसी बराबर बना आपका 10 का स्क्वायर हुआ आपका, क्या हुआ आपका 10 का स्क्वायर, प्लस क्या हुआ आपका 10 का स्क्वायर हुआ, क्या हुआ आपका 10 का स्क्वायर,
तो बराबर आप देख सकते हो अंडर रूट कितना हुआ आपका 200, कितना हुआ 100 हो जाता है, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 कितना हो जाता है आपका 200। तो आपने देखा कि दो जीरो की तो आपकी हो जाएगी, तो बचा कितना आपका 10√2 बचा आपका, कितना हुआ आपका 10√2। तो यहाँ पर आपने देखा विस्थापन कितना हुआ आपका 10√2 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका विस्थापन, क्योंकि अगले 20 सेकंड में कितना बचेगा आपका 10√2। तो यहाँ पर विस्थापन कितना, विस्थापन का मान परिमाण कितना होगा आपका 10√2 मीटर होगा, कितना होगा 10√2 मीटर होगा। लेकिन इसमें आपको मैंने पूछा था, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना आपकी दूरी कितनी होगी। अब यहाँ पर जब दूरी पूछी जाए तो पहले 40 सेकंड में दूरी कितनी तय करेगा, वो 40 मीटर ही करेगा, कितना करेगा आपका 40 मीटर ही करेगा। फिर अगले में भी कितनी करेगा आपका 40 करेगा, फिर अगले 40 सेकंड में भी कितना करेगा 40 करेगा, फिर अगले 20 सेकंड में भी कितना करेगा आपका 20 करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो आपकी दूरी, तो दूरी कितनी हो जाएगी यहां पर आपके 140 मीटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी 140 मीटर हो जाएगी। और विस्थापन कितना हुआ आपका 10√2 मीटर हुआ, क्योंकि आप विस्थापन वापस उसी पॉइंट पर आ गए तो क्या हो जाता है आपका शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों आपका शून्य हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो बिल्कुल राइट, समझ में आया कि नहीं आया, इतनी देर आपने विस्थापन पढ़ा। यहाँ पर आपकी जो बिल्कुल एनसीईआरटी का आधारित क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हम, अगला दे रखा है आपको, एक वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंका जाता है, क्या किया गया आपको, एक वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंका जाता है यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर, वापस आ गई फेंकने वाले के पास और उसका वास्तविक विस्थापन 50 मीटर। ऑप्शन बी कह रहा है वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी शून्य, फिर अगला बोल रहा है आपके वस्तु का वास्तविक विस्थापन आपका 100 मीटर, फिर आपको बोल रहा है आपका वस्तु का वास्तविक विस्थापन आपका शून्य। जैसे यहाँ पर आपका कोई ए व्यक्ति था, कोई आपने देख सकते हैं आपने रमेश यहाँ से कोई किसी पत्थर को फेंका और फेंकने के बाद में ऊपर गया ऐसे, ठीक है, यहाँ तक गया और यहाँ तक कितनी दूरी आपकी 100 मीटर है, कितनी दूरी आपकी 100 मीटर है। जब इसको फेंकने वाले व्यक्ति के पास, रमेश के पास ये आपका पत्थर वापस आ चुका, तो जब ये वापस पत्थर किसके पास आ चुका आपका, रमेश के पास आ चुका, किसके पास आ चुका, यहाँ तक फेंका इसने और वापस ये किसके पास आ चुका आपका, रमेश के पास आ चुका। तो यहाँ पर इन दोनों बिंदु के पास वापस रमेश के पास ही आ चुका, तो यहाँ पर विस्थापन क्या होगा आपका शून्य होगा, क्योंकि जहां उससे फेंका गया वहीं वापस आ गया, तो इसमें जो न्यूनतम पथ की लंबाई क्या होगी इसमें शून्य होगी, क्योंकि वापस किसके पास आ चुका आपका, रमेश के पास आ चुका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। यदि यहाँ पर आपको दूरी पूछी जाए, क्या पूछी जाए यहाँ पर आपको, यदि आपको दूरी पूछी जाए तो दूरी कितनी हो जाएगी आपका, जो फेंका था वो दूरी कितनी थी 100 मीटर और जो वापस आया वो दूरी कितनी हो जाएगी 100 मीटर, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा आपका 200 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका योग, कितना हो जाएगा आपका 200 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यदि दूरी पूछी जाती तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 200 मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी दूरी, कितनी हो जाएगी आपके 200 मीटर हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी आपकी दूरी 200 मीटर हो जाएगी। इसके बाद में देखते हैं हम चाल, क्या होती है आपकी चाल। अब चाल देख लो आप, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है आपकी, चाल कहलाती है, या प्रति इकाई समय में आपकी तय की गई दूरी क्या कहलाती है आपकी, चाल कहलाती है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो आप एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है आपकी, चाल कहलाती है, क्या कहलाती है आपकी, चाल कहलाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप अलग अलग आपकी डेफिनेशन, कोई भी भाषा आप याद कर सकते हो, जैसे भी जैसे आपको पहला दिया गया आपको कि किसी भी दिशा में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर, क्या दिया गया आपको, स्थिति में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है आपकी, चाल कहलाती है। फिर दिया गया आपको इकाई समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है आपकी, चाल कहलाती है, क्या कहलाती है आपकी, चाल कहलाती है। फिर अगला दे रखा है आपको दूरी में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है आपकी, चाल कहलाती है, क्या कहलाती है आपकी, चाल कहलाती है। फिर आप देख सकते हो प्रति सेकंड चली गई दूरी चाल कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रति सेकंड चली गई दूरी क्या कहलाती है आपकी, चाल कहलाती है। अब देखो यदि आपकी दूरी अधिश राशि है तो चाल भी कैसी राशि होगी आपकी, अधिश राशि होगी, कैसी राशि होगी आपकी, अधिश राशि होगी। समय भी कैसा राशि आपका, अधिश राशि, कैसी राशि है, समय भी आपके अधिश राशि है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपने देखा चाल की डेफिनेशन देख लिया आपने, चाल की कोई भी डेफिनेशन आप बना सकते हो, जैसे ये दे रखी है आप अलग और भी डेफिनेशन देखना चाहते हो आप, जैसे आप देखना चाहते हो अलग और कि एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है आपकी, चाल कहलाती है। तो चाल की आप बहुत सारी आप डेफिनेशन देख सकते हो। तो आप आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम चाल, चाल कैसी राशि है आपकी, अधिश राशि होती है, चाल कैसी राशि होती है आपकी, एक अधिश राशि होती है, कैसी राशि होती है आपकी, अधिश राशि होती है, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय होता है, क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय होता है। अब इसको देखो आप एक अन्य चीज से और देख सकते हो आप, कैसे आप इसको देखना चाहते हो तो आपको एक अलग चीज को मैं और दिखा रहा हूं आपको, चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय, देख सकते हो यहां पर, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हो आप इनको, अगर आपने सूत्र आपको याद करना है, क्या करना आपको सूत्र, यदि आपको याद करना है तो आप इसको इस तरीके से आप रखो, ठीक है। तो यहां पर रखना आपको चाल, क्या रखना है, चाल रखनी है,
ठीक है, इधर रखनी है आपको दूरी, ऊपर क्या रखनी है आपको दूरी रखनी है, और नीचे क्या रखना है आपको समय रखना है आपको, क्या रखना है आपको समय रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि आपका चाल बराबर क्या हुआ आपका दूरी बटा समय, तो यहाँ पर देखो चाल बराबर क्या हुआ आपका दूरी बटा समय हो चुका। अब यहाँ पर देखना आपको दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाती है आपका चाल इंटू समय हो जाती है, तो यहाँ पर देखो दूरी, तो दूरी में नीचे आ जाता है आपका चाल इंटू समय हो जाता है। फिर आपको पूछा था समय बराबर, तो समय बराबर आपने देखता हो तो दूरी बटा क्या आता आपका चाल आता है, क्या आता आपका दूरी बटे चाल आता है, किसमें आता आपका समय। तो आप इस ट्राइंगल के आधार पर भी अपने दूरी और चाल को आप सीधे ट्रिक में याद रखना चाहते हो, तो ये यहाँ पर क्या हुआ आपका डी हुआ, ये क्या हुआ आपका डी हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ आपका एस हुआ स्पीड हुआ, और ये क्या हुआ आपका टाइम हुआ। तो आपने देखा स्पीड टाइम और क्या हुआ आपका स्पीड हो चुकी आपके, टाइम हो चुका आपका, डिस्टेंस हो चुकी। आप इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो। अब देखो जो आपके जो चाल होती है, चाल कैसी राशि एक आपके अदिश राशि होती है, चाल कैसी राशि होती है एक आपके अदिश राशि होती है। चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा समय हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि आपको केवल चाल का ही, कई बार आपको दूरी के बारे में पूछ लिया जाता है, कई बार आपको समय के बारे में पूछ लिया जाता है, लेकिन जब आपको दो राशि दी जाती है और तीसरी राशि आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है, आपको कोई भी दो भौतिक राशि बता दी जाए तो आप तीसरी भौतिक राशि आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने चाल दूरी समय आपने मैथ में काफी अच्छी तरीके से और ही पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, अब देखो चाल का एसआई मात्रक, तो चाल का एसआई मात्रक क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकंड होता है, क्या होता है चाल का एसआई मात्रक क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकंड होता है, क्या होता है आपका चाल का एसआई मात्रक क्या होता है आपका मीटर प्रति क्या होता है आपका सेकंड होता है, किसका होता है चाल का। चाल का सीजीएस मात्रक क्या होता है आपका सेंटीमीटर मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब यहां पर देखो प्रति सेकंड आ जाए तो माइनस की पावर कहां चल जाती है ऊपर आ जाती है आपका, प्रति का मतलब क्या होता है बट्टे, और बट्टे की पावर में आप कहां जाती है आपके माइनस में जाती है। अब चाल का आपको बताना है वीमे सूत्र, तो वीमे सूत्र देखो आप एम की पावर क्या होगी यहाँ पर आपकी जीरो होगी, क्या होगी एम यहाँ पर दिया गया नहीं, तो एम की पावर यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जीरो हो चुकी है, एल की पावर वन हो जाएगी, एन की टी की पावर माइनस की वन हो जाएगी। तो यहाँ पर बना क्या आपका एल की पावर वन टी की पावर माइनस की वन, ये आपका और बन सकता है, आप दोनों की दोनों वीमा मिल जाए आपको एग्जाम में तो आप कोई सी भी देख सकते हो, या तो एम की पावर जीरो एल की पावर वन टी की पावर माइनस वन, या आपको मिल जाए एल की पावर वन या टी की पावर माइनस वन, तो दोनों की दोनों आपके सही होगी। अब आपको पता होना चाहिए जहां पर यदि पावर जीरो होती है उसका मान क्या होता है आपका शून्य एक हो जाता है, क्या हो जाता है जहां पर पावर यदि जीरो होती है शून्य होती है वहां उसका मान कितना हो जाता है आपका एक हो जाता है। तो यहां पर आपके चाल की वीमा देख सकते हो, चाल की वीमा क्या हो जाएगी आपकी एम की पावर जीरो एल की पावर वन और टी की पावर माइनस की वन हो जाएगी, ठीक है, ये क्या आपके चाल की है। एम तो क्या है यहाँ पर होता है आपका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, जो किलोग्राम आती है उसका लिखा जाता है। एल क्या होता है यहाँ पर आपकी लेंथ होती है यानी कि लंबाई होती है, टी क्या होता है यहाँ पर आपका टाइम होता है समय होता है, क्या होता है आपका टी क्या होता है यहाँ पर आपका टाइम या समय होता है। इसके बाद में देखते हैं हम आगे, आगे देखते हो चाल के अन्य मात्रक, देखो आपने चाल के अन्य मात्रक क्या होता है आपके किलोमीटर प्रति घंटे भी होता है, क्या होता है आपका चाल के अन्य मात्रक आप किलोमीटर प्रति घंटे भी होता है। जैसे आपने किसी भी को चाल दी गई आपको और किलोमीटर प्रति घंटे को आप जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हो तो आप किलोमीटर को किलोमीटर प्रति घंटे को किससे गुणा करते हो आप 5/18 से गुणा करते हो, आप किससे गुणा करते हो आप, जैसे आपको कोई भी किलोमीटर प्रति घंटे को आप किस में बदलना है आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो इसे गुणा किससे करते हो आप 5/18 से करते हो, किससे करते हो आप 5/18 से करते हो। यदि आपको कोई चाल दी गई आपको मीटर प्रति सेकंड में और इसको बदलना किसको आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो अब आप क्या करोगे कि मीटर प्रति सेकंड आपका क्या आपका मीटर प्रति सेकंड है, इसको गुणा किससे करोगे आप 18/5 से करोगे, आप किससे करोगे आप 18/5 से गुणा करोगे, आपको चाल की अन्य इकाइयों में आप देख सकते हो। अभी आपका 5/18 और ये 1/18 कैसे आया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपके, 1 किलोमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं आपके 1000 मीटर होते हैं, कितने होते हैं आपके 1000 मीटर होते हैं, और आपके एक घंटे को आप बदलना किसके होते हैं चाल में कितने होते हैं आपके सेकंड में होती है, तो एक घंटे में आपने देख सकते हो कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं आपके 60 तो मिनट होती है, साथ में कितने होती है एक मिनट में 60 सेकंड होती है, तो कितनी हो जाएगी आपकी 3600 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपके 3600 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको जब डिवाइड करते हो आप किससे 1000/ कितनी हो जाती है आपकी 3600 हो जाएगी, यानी 3600 हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। ये कितनी बार कटा 2 से 5 बार कटा, और ये कितनी बार कटा कटा आपका 18 बार कटा, कितनी बार कटा आपका 18, तो ये बना क्या आपका 5/18 बना, क्या बचा आपका 5/18। तो आप इसको सीधे भी इस तरीके से आप आराम से आसानी से आप निकाल सकते हो दोस्तों, यदि आपको पहले से ध्यान में हो तो इसको याद रख लो आप, क्योंकि आप बार बार इतना बड़ा जोड़ बाकी गुणा भाग करने के लिए कुछ चीजें आपको यदि आपको रट के याद करनी है तो करो, क्योंकि यदि जहां पर आपका टाइम कम बचे, जहां पर आपका टाइम बचने की संभावना है उस आप डाटा को याद कर लो,
जैसे आपने मैंने बताया था 3 4 5 होती है आपके, 5 12 13 होता आपका, 8 15 17 होता आपका, ऐसे जो आपके ट्रिक होते हैं वो भी आप साथ में याद कर लो, क्योंकि आपको देखते हैं आप यहाँ वहाँ पर आपको जैसे कोई क्वेश्चन मिले तो वहाँ पर आप ऑप्शन पर क्लिक करके निकल जाओ। जैसे आपने जीएस पढ़ते हो, आप जीके पढ़ते हो, जीके पढ़ते क्या करते हो आप आंसर पर क्लिक मार के आप अगले क्वेश्चन पर आप चले जाते हो। इसी तरीके से यदि आपके न्यूमेरिकल फिजिक्स में ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको मान रट गया हुआ पहले आपको कोई ट्रिक से याद रखा है तो वहाँ पर आपने ट्रिक लगाओ उसकी, याद करो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन मिलता है आपको वहाँ पर क्लिक किया अपना आंसर और आगे अगले वाले क्वेश्चन पर चले जाएंगे। दोस्तों आगे दे रखा आपका एक कार 100 घंटे में, क्या दे रखा आपको, एक कार 100 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, यहां पर आपको देना है। अब देखो यहां पर आपको दिया गया आपको क्या, चाल पूछिए आपको, क्या पूछिए आपको, चाल पूछिए, ठीक है, और आपको चाल का हमें पता नहीं, ठीक है। यहां पर आपको दे रखी है आपको समय, और समय कितना दे रखा आपको, यहां पर आपका समय दे रखा आपको 100 घंटे दे रखा आपको, कितने दे रखा आपको 100 घंटे दे रखा है, और यहां पर आपको दूरी, और दूरी कितनी दे रखी है यहां पर आपको, दूरी दे रखी है आपको कितनी, आपको 600 किलोमीटर दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है आपको 600 किलोमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय होता है, क्या होता है आपका, चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय होता है, कितना होता है आपका, चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ पर रख दो आप, चाल बराबर क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी कितनी आपकी 600 है, कितने आपके दूरी कितनी आपकी 600 है, और घंटे कितने आपके 100 है, कितने आपके घंटे कितने आपके 100 है, तो यहाँ पर आप इसे 2 0 से 2 0 कैंसिल, चाल कितनी बची आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटे हुई, कितनी हुई आपकी 6 किलोमीटर आपकी प्रति घंटे क्या हुई आपकी, चाल हुई, क्या हुई आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटे क्या हुई यहाँ पर आपके, चाल हुई। अगला देख सकते हो आप एक समान चाल, क्या हुई आपका, आपकी चाल दो प्रकार से देख सकते हो आप, असमान चाल और एक समान चाल। जैसे आपने कहीं पर रुक रुक कर चल रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, कहीं पर कभी आप धीमा चल रहे हो कभी आप तेज चला रहे हो, तो आपने चाल दो प्रकार की थी। यदि आप समान दूरी समान समय में आप तय कर रहे हो तब कैसी चाल हुई आपकी, समान चाल हुई। यदि आप समान समय में जब आप असमान दूरी तय कर रहे हो, आप समान समय में जब आप असमान दूरी तय कर रहे हो तब कैसी चाल हो जाती है आपकी, असमान चाल हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग 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 दूरी तय करे तो उसे आप क्या कहते हो, असमान चाल कहते हो आप, असमान, यहां पर सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पर आप पहले लिखो आप असमान, ठीक है, यहां पर आप पहले लिख सकते हो। अगला देखते हैं, ये कोई ऊपर नीचे हो चुकी होगी, कुछ नहीं, यहां पर इसकी डेफिनेशन जो टाइपिंग से थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो चुकी है, मैं लिखवा देता हूं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, क्या करे, यहां पर अलग अलग नहीं लिखना आपको, क्या नहीं लिखना, यहां पर आपको अलग अलग बिल्कुल नहीं लिखना आपको, ठीक है, यहां पर लिखना आपको समान, क्या लिखना आपको, समान दूरी तय करे, क्या करे, यहां पर आपको समान दूरी तय करे, क्या करे, समान दूरी तय करे करती है तो इसे क्या बोलते हो आप, समान चाल बोलते हो आप, क्या बोलते हो आप, एक समान चाल कहते हो। यहां पर भी कुछ एरर दे रखा है तो यहां पर लिख लो आप, एक समान चाल कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपका, एक समान चाल कहा जाता है, कुछ नहीं है, टाइपिंग की थोड़ी बहुत इशू हो जाते हैं कई बार, जब रह जाती है तो कोई बात नहीं होती। अब यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पर आपने देखा, ठीक है, यहाँ से आपने चलना शुरू किया और यहाँ तक आप चले, ठीक है, यहाँ तक आपने चलना था। अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपने हर बार चलना शुरू किया, ठीक है, वो कैसे, यदि आपने देखो पहले समय कितना आपका 5 सेकंड है, कितना आपका समय, कितना आपका 5 सेकंड है, कितना आपका समय देख लो आप, कितना आपका 5 सेकंड है, कितना आपका समय देख लो आप ना, 3 सेकंड मान लो, चलो कोई बात नहीं, कितना होता है आपका समय देख लो आप, 3 सेकंड देख लो आप, कितना 3 सेकंड, तो हर बार आप समय तो मान लो समान, कितना हो चुका आपका 3 सेकंड हो चुका आपका, कितना हो चुका आपका 3 सेकंड हो चुका आपका, कितना हो चुका आपका 3 सेकंड हो चुका, और हर बार आप 3 सेकंड में आप कितनी दूरी तय कर रहे हो आप, 15 मीटर की दूरी तय कर रहे हो आप, कितनी दूरी तय कर रहे हो आप, 15 मीटर की आप दूरी तय कर रहे हो, कितनी दूरी तय कर रहे हो आप, 15 मीटर की आप दूरी तय कर रहे हो आप, कितनी दूरी कर रहे हो आप, 15 मीटर की दूरी तय कर रहे हो। अब यहाँ से आपने ऐसे चलना शुरू किया था और आप गए कहाँ तक, बी तक, और लगातार तीन तीन सेकंड के समय अंतराल पर आप दूरी कितने तय कर रहे हो आप, 15 मीटर कर रहे हो आप, कितने कर रहे हो आप, 15 मीटर कर रहे हो, तो ये चाल कैसी हुई आपकी, एक समान चाल हुई, कैसी चाल हुई आपकी, एक समान चाल हुई, क्योंकि यहाँ पर इसकी जब आप चाल निकालते हो तो हर बार कितनी आती है आपकी, 5 मीटर प्रति सेकंड आ रही, कितनी आ रही है आपकी, 5 मीटर प्रति सेकंड आ रही, चाल बराबर क्या होती है आपकी, दूरी बटा समय आता, तो यहाँ पर देखो 15 में जब 3 का भाग दे दो तो आता कितना आपका, 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो आप अगली कौन सी होती है आपकी, असमान चाल होती है, कौन सी होती है आपकी, असमान चाल होती है।
असमान चाल क्या होती है, जब कोई वस्तु समय के समान अंतराल पर जब अलग अलग दूरी तय करे। समय जब कोई वस्तु समान अंतराल पर जब समय के समान अंतराल पर जब अलग अलग दूरी तय करे तो उसे आप क्या बोलते हो, आप असमान चाल कहते हो। आप क्या कहते हो, आप असमान चाल कहते हो। जैसे यहां से चलना शुरू किया और यहां तक गई, ठीक है, यहां तक गई, तो यहां पर देख सकते हो कि हर बार हमने देखा था बार पहले कि 3-3 सेकंड का क्या था इसमें समय अंतराल था, कितने का था आपका, 3-3 सेकंड का था, कितने का था आपका, 3 सेकंड का, यहां पर था 3 सेकंड का, यहां पर था आपका 3 सेकंड का, यहां पर था इसमें और 3 सेकंड का ही यहां पर था इसमें, ठीक है। और हर बार ये पहले देखो यहां पर 15 मीटर चली, कितनी चली आपकी, 15 मीटर चली। अगले 3 सेकंड में ये मान के चलो कि 10 मीटर ही चली, कितने मीटर चली, 10 मीटर चली। अगले 3 सेकंड में कितनी चली आपके, 20 मीटर चली। और फिर अगले में कितनी चली है, 5 मीटर ही चली, कितने चले आपके, 5 मीटर चली। तो यहाँ पर इसकी जब चाल देखते तो हर 3 सेकंड के अंतराल पर अलग अलग आएगी। जब इसकी चाल अलग अलग आएगी तो ऐसी चाल को आप क्या बोलते हो, आप असमान चाल कहते हो। आप क्या कहते हो, आप असमान चाल कहते हो। तो असमान चाल किसे कहते हो, जब कोई वस्तु समय के समान अंतराल पर अलग अलग दूरी तय करती है तो उसे असमान चाल कहा जाता है, इसे असमान चाल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यहां पर समझ में आ गया सभी को, एक बार सभी के सभी कमेंट बॉक्स में यस या नो करके बताइए आप कि यहां पर आपको सही एकदम समझ में आ चुका, आपको समान एक समान चाल और आपको असमान चाल। और सभी के सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन के आप ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी क्लासेज लाइव ली जाए अपलोड की जाए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि आपकी कोई भी क्लास छूट न जाए। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई जाती है दोस्तों, ठीक है। और आप ध्यान रखना आपको 3 से 4 बजे आपको लाइव क्लासेज आती है, आपके जो रेलवे PYQ होती है, आपके रेलवे का कैलेंडर आपको हर साल जारी बता देगी आपको कि पहले LP फिर टेक्नीशियन फिर NTPC फिर ग्रुप डी। तो आपके लगातार आपके हर साल 3 से 4 महीने के अंतराल पर आपकी एग्जाम शुरू रहेगी। तो यहाँ पर आपका साइंस का वेटेज सबसे ज्यादा आपका, मैंने पहले ही बताया था आपको LP में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, टेक्नीशियन में भी, ग्रुप डी में भी और NTPC में भी। यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन से कम नहीं रहता है, NTPC में 15 से 20 रहता है और बाकी ग्रुप डी में 25 रहता है और LP और टेक्नीशियन में आपके साइंस के क्वेश्चन 20 रहते हैं। तो सभी के सभी आप साइंस की क्लास को मिस मत कीजिए क्योंकि आपका सबसे बड़ा रोल निभाएगी यहाँ पर जो आपके सिलेक्शन में, वो कौन होगी, आपके साइंस होगी दोस्तों, कौन होगी, आपके साइंस होगी। इसके बाद में देख सकते हो आप औसत चाल, औसत चाल कहता है, इसे एक समान चाल के रूप में ही परिभाषित किया जाता है आपको। औसत चाल क्या होती है, आपके एक समान चाल की जैसी ही होती है। जैसे इसमें दिया गया आपको कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, कुल लिया गया समय के क्या होता है, अनुपात को परिभाषित करती है, क्या करती है, एक समान चाल के रूप में क्या करती है आपके, परिभाषित करती है कि किसी वस्तु तय की गई कुल दूरी और वस्तु की लिया, वस्तु के द्वारा लिया गया समय के अनुपात से प्रदर्शित किया जाता है। वस्तु के द्वारा लिया गया समय के क्या होता है, अनुपात को प्रदर्शित करती है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है आपकी, तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया आपका कुल समय होता है। क्या होता है आपका, औसत चाल बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटा क्या होता है आपका, कुल समय होता है। क्योंकि आपने औसत चाल पहले भी मैथ में काफी पढ़ चुकी है आपने कि आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड में आप देख सकते हो कि औसत चाल तय की गई दूरी, तय की गई कुल दूरी और लिया गया आपका क्या होता है, आपका कुल समय होता है। क्या होता है आपका, लिया गया आपका क्या है, कुल समय। इसके साथ देख सकते हो आप ताक्षणिक चाल, और ये ताक्षणिक चाल क्या होती है आपकी, जो असमान चाल होती है उसी का रूप होता है। औसत चाल किसका, आपका एक समान चाल का रूप होता है। क्या होता है आपका, असमान चाल किसका है, ये आपका औसत चाल किसका, आपका एक समान चाल का, और ताक्षणिक चाल किसके, आपके असमान चाल का ही क्या होता है आपका, रूप होता है। जैसे किसी निश्चित क्षण में असमान चाल से चलती हुई वस्तु की गति को आप ताक्षणिक चाल कहते हो। क्या कहते हो, किसी भी वो निश्चित पॉइंट होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित क्षण में असमान चाल से चलती हुई वस्तु की गति को आप ताक्षणिक चाल कहते हो। क्या कहते हो आप, ताक्षणिक चाल कहते हो दोस्तों। तो यहाँ पर आपने देख लिया एवरेज चाल कैसे निकालनी है आपको, एवरेज चाल ऐसे निकालनी है आपको, तय की गई कुल दूरी बटा क्या होता है आपका, कुल समय होता है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम अगला, अगला दे रखा आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा आपको, क्या दे रखा आपको, न्यूमेरिकल दे रखा, और ये न्यूमेरिकल आपके जो आया हुआ है ये एग्जाम में काफी इस तरीके से पूछा जाता है आपको। ये आपको इजी लग रहे हैं, जिसने मैथ पढ़ रखी है वहां पर ये इजी लग रहे हैं, लेकिन आप इसको जब फिजिक्स में देखते हो वहां पर इसके फिजिक्स के हर न्यूमेरिकल आपको इजी है क्योंकि यहाँ पर आपने चाल है और चाल पहले आपने मैथ में पढ़ रखी है तो यहाँ पर आपको इजी लग रहा है। जैसे आपको अलग न्यूमेरिकल दिया जाता है वहां पर आप थोड़ा बहुत आपको हार्ड लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि वहां पर आपको फॉर्मूला पता नहीं लग पाता है। यहाँ पर तो आप चाल हर एग्जाम के बारे में, आप जैसे आपकी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है तो वहां पर आप जो आपका टॉपिक होता है समय चाल दूरी, तो वहां पर आप काफी पढ़ते हो चाल,
साल को, तो यहाँ पर आपको थोड़ा इजी लग जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपका थोड़ा हार्ड आता है, यहाँ पर थोड़ा आपका इजी आएगा। इजी आएगा तो वो आप देख सकते हो फिजिक्स में, तो ऐसे ही आपके देखने को मिलेंगे दोस्तों। लेकिन वो हर इजी होता है, लेकिन आपको उसका फॉर्मूले का पता नहीं होता। यदि आपको फॉर्मूले का पता होगा तो आप आसानी से हर आप जो न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स के आप हर के हर आसानी से आप हल कर सकते हैं। आपका सिंगल क्वेश्चन क्या आता है वो भी आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए इस क्वेश्चन में, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी कितने समय में तय करती है? आपके 4 सेकंड में। तो पहले देखिए आपके 16 मीटर की दूरी कितने समय में तय करती है? आपके 4 सेकंड में करती है। कितने सेकंड में करती है? आपके 4 सेकंड में तय करती है, ठीक है। फिर अगला दे रखा है, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो पुनः ये देख लो, आपके 16 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय कर रही है? आपके 2 सेकंड में तय कर रही है। कितने में कर रही है? आपके 2 सेकंड में तय कर रही है। तो यहाँ पर बताना आपकी वस्तु की औसत चाल क्या होगी, वस्तु की औसत चाल क्या होगी। अब देखो वस्तु की औसत चाल क्या था आपका, तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया आपका कुल समय था। क्या था आपका? तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया बटा आपका कुल समय। अब देखो यहाँ पर आपकी कुल दूरी तो कितनी हुई आपके 32 मीटर हो चुकी, कितनी हो चुकी आपके 32 मीटर हो चुकी। और समय कितना हो चुका आपका 6 सेकंड हो चुका। कितना हो चुका आपका? समय कितना हो चुका आपका? 6 सेकंड हो चुका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको जब रखते हो आप कि कुल दूरी बटा क्या होता है आपका कुल समय, तो कुल दूरी कितनी हो गई आपके 32 मीटर हो चुकी। कितनी हो चुकी आपके? 32 मीटर हो चुकी। और समय कितना हो चुका आपका? 6 सेकंड हो चुका। कितना हो चुका आपका? 6 सेकंड हो चुका। अब ठीक है, अब इसको जब काटते हो तो कटेगा किससे? ये 2 से कटेगा। ये 2 से कटा कितनी बार आपका? 3 बार कटा। कितनी बार कटा आपका? 3 बार कटा। और ये कितनी बार कटा आपका? ये कितनी बार कटा आपका? 16 बार कटा। कितनी बार कटा आपका? 16 बार कटा। तो ये कितना हुआ आपका? 16 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड हुआ। चाल कितनी हुई इसकी औसत चाल? 16 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। या आप इसको भाग दे सकते हो, वो कितनी हो जाएगी आपका? 5 से 1 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 से 1 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। यदि इसको आप 0.2 में भी निकालना चाहते हो तो 1 बटा 3 का क्या होता है आपका? 0.33 होता है। कितना होता है? 0.33 होता है। 2 बटा 3 का क्या होता है आपका? 0.66 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगी? 5 पॉइंट कितनी हो जाएगी आपकी? 33 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी? 5.33 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। वहां पर आप जब मैथ में चाल पढ़ते हो आप वहां की तुलना आपको इजी लगेगा, लेकिन आपको फिजिक्स के हर न्यूमेरिकल ऐसे ही मिलते हैं। वहां पर क्या होता है आपको फॉर्मूले पता नहीं हो पाता, इसलिए आपका थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप बिल्कुल भी गलत मत करना। अगला न्यूमेरिकल बच रहा आपका, ये बचा हुआ है, तो ये आपको कल बताना आपको सभी के सभी है। ये आपका होमवर्क के लिए, ये सभी के सभी आपके लिए क्या है आपका? होमवर्क है। क्या है आज के लिए? ये आपका होमवर्क है दोस्तों, ठीक है। ये आपको कल आते ही हम पहले क्लास में बताएंगे। ये आज के लिए आपका होमवर्क है। ये ऐसा क्वेश्चन आप भी एक न्यूमेरिकल ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर ओडोमीटर होती है 200 किलोमीटर की यात्रा प्रदर्शित करता है। यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करती है। इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं। तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर प्रति सेकंड में आपको बताना है दोस्तों। तो ये आपके लिए क्या है? आज के लिए आपके होमवर्क के लिए है। किस लिए? आपके होमवर्क के लिए है। तो एक बार आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। साथ में आप सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को साथ में सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करना ताकि हमारे द्वारा जो भी क्लासे लाइव ली जाए या अपलोड की जाए उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और ताकि आपकी कोई भी क्लास छूट ना जाए, क्योंकि हमारे जब भी क्लास ली जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप तुरंत क्लिक करके देख सकते हो। इसके साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन करना है, और वहां पर हमारे द्वारा जो क्लासे ली जाती है यूट्यूब पर, फ्री यूट्यूब पर क्लासे होती है, वहां पर आपको अपलोड कर दी जाती है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए आपके लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।